मेनोपॉज़, एफएसएच बढ़ता चला जाएगा क्यों, कोई बता सकता है मुझे? यस, बहुत सिंपल है। देखो, मेनोपॉज़ हो गया, मेनोपॉज़ में ओवुलेशन नहीं हो रहा है। अब ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो ईस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है। इस ईस्ट्रोजन के लेवल कम होने की वजह से ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट नहीं होता। कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट ना होने की वजह से ही आफ्टर मेनोपॉज इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ये कहानी अलग है। पर जब इन दोनों का लेवल कम होता है तो ब्लड में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है। ये जो ब्लड है ये जाता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पास। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी देखते हैं कि भैया ईस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, तो वो क्या सिक्रीट करवाते हैं? एफएसएच तुम और ज्यादा बढ़ो ताकि तुम ओवरी को स्टिमुलेट कर पाओ, ताकि ओवरी फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करे। पर कितना मर्जी बड़ा हो जाए, वरुण तेरे को चाहिए, तू पार्टी मांग रहा था, मैं दे देती हूँ, कितना मर्जी बढ़ जाए। मेनोपॉज में होता क्या है, बेसिकली ओवरी के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो रिसेप्टर ही खराब हो गए। प्लीज राइट दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओवरी के ऊपर के रिसेप्टर ही खराब हो गए हैं। तो भैया जब ओवरी के ऊपर के रिसेप्टर ही खराब हो गए हैं, अगर एफएसएच बढ़ भी जाएगा तो क्या वो ओव्यूलेशन करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीबडी? सो दिस इज द इंटायर हॉर्मोन मैकेनिज्म व्हिच अकर्स एट मेनोपॉज। इज दैट क्लियर एवरीबडी? सो इवन इफ एफएसएच इंक्रीजेस, इट कैन नॉट कॉज ओव्यूलेशन, इट कैन नॉट कॉज द इंक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, राइट एवरीबडी? ठीक है।